तो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल मुझे एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने ये बोला कि NBCC जो शेयर है उसके प्राइस टारगेट के बारे में बताओ, क्या हमने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो ये जानकारी चाहते थे। तो मुझे लगा कि इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल जो जानकारियां हैं वो साझा करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चल सके अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी क्या राय रहेगी, क्या आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये मैं अपनी खुद की रिसर्च के अनुसार बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो एक बार खुद की रिसर्च भी जरूर करिएगा। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपने अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलते रहती है। देखिए दोस्तों कोई भी स्टॉक है अगर आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपने दो तरह से रिसर्च करनी चाहिए, पहली तो टेक्निकल रिसर्च और दूसरी फंडामेंटल रिसर्च। टेक्निकल रिसर्च तब काम आती है जब आप शेयर को आज खरीद के आज बेच दे रहे हो, तब उसमें आपको ज्यादा फंडामेंटल रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उस स्थिति में आपने फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ टेक्निकल रिसर्च भी करनी होगी। टेक्निकल रिसर्च इसलिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि जो स्टॉक में जो वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है वो कितने टाइम तक देखने को मिलेगी, कब शेयर किस लेवल तक जाएगा, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है कहाँ पर आप उसको देखने को मिलेगा आपको, और किस रेजिस्टेंस से वो वापस आएगा। तो आइए NBCC जो शेयर है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसको देख के मैं आज आपको जानकारी साझा करता हूँ। NBCC जो कंपनी है दोस्तों 13 अप्रैल 2012 को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और उस समय पे 6.30 रुपए यानी कि लगभग 6.5 रुपए के आसपास इसका टारगेट प्राइस था, और अभी वर्तमान में 167 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ये इसका पूरा नाम है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का अच्छा है 29,000 करोड़, 29.78,000 करोड़। पी रेशियो की बात करें तो 80 से 90 के बीच में इसका पी रेशियो मुझे देखने को मिला है, क्योंकि अगर मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो गूगल में कहीं पर मुझे 90 देखने को मिला मनी कंट्रोल, या फिर अगर मैं जीरोधा के फंडामेंटल्स में देखा तो वहाँ पर कुछ 80 के आसपास इसका मेरे को पी रेशियो देखने को मिला। लेकिन जितना भी है पी रेशियो के मामले में ये स्टॉक सा ओवरवैल्यूड नजर आ रहा है। डिविडेंड की अगर बात करें तो काफी सारे लोगों को ऐसे स्टॉक दे लेना काफी अच्छा लगता है जो टाइम टाइम पे डिविडेंड भी देते रहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो पैसा रख रहे हैं उस स्टॉक में तो अच्छे रिटर्न तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का जानकारी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जितने ज्यादा आपको पता होगा कि FIIs की जितने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी कितनी होल्डिंग्स हैं और DIIs की कितनी इसमें परसेंटेज होल्डिंग है, रिटेलर्स की कितनी है, प्रमोटर्स की कितनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है दोस्तों, अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर ऐसे स्टॉक को अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के जो मालिक है यानी कि जो कंपनी चला रहे हैं उनकी होल्डिंग होती है। अगर मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी है जो मार्केट में नहीं आई है तो उसमें 100% जितना भी शेयर्स है वो सारे के सारे कंपनी जो चला रहे हैं कंपनी के मालिक के हैं। लेकिन अगर कंपनी के मालिक ने मार्केट में कंपनी को उतार दिया है तो अपने कुछ स्टॉक सेल करता है मार्केट में, ताकि जो रिटेलर्स हैं या फिर अगर कोई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एंट्री बना सकें, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो जो NBCC है इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी है, 61.75 की इसकी परसेंटेज की होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की इसमें होल्डिंग है 3.22% की, DII की इसमें 7.22% की होल्डिंग्स है, FII की इसमें 4.45% की है, और रिटेलर्स की इसमें 23.36% की इसमें होल्डिंग्स है। तो इसमें एक चीज और मैं आपको टेक्निकल चीजें बता दूं कि किसी भी स्टॉक में दोस्तों अगर FII या DII या म्यूचुअल फंड इन लोगों की होल्डिंग्स होती है और अपने होल्डिंग्स को वो अगर निकालते हैं एग्जिट करते हैं तो उस स्थिति में आपको स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि जब
FIIs या DIIs या म्यूचुअल फंड्स जो है ये अपनी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उस दिन आप देखने वाली बात होगी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो थोड़ा डाउन होता है। अब फंडामेंटल में कुछ EPS आता है, अर्निंग पर शेयर, तो इसका जब मैंने EPS चेक किया तो मुझे ये एक बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिखा। बढ़ते हुए क्रम में होता तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसका EPS मुझे एक साल कभी बढ़ रहा है तो दूसरे साल फिर डाउन हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर डाउन हो जा रहा है, तो यानी कि अप एंड डाउन वाला दिखा। सेम यही चीज़ मुझे इसके जो टोटल एसेट्स से है वो उसमें भी देखने को मिली। अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कंपनी के एसेट्स कभी ऊपर को जा रहे हैं फिर नीचे को, अप एंड डाउन इसमें भी चलते रह रहे हैं। टोटल इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी में भी सेम यही चीजें मुझे देखने को मिली, एक कंटिन्यू कोई अच्छी रफ्तार से नहीं चल रही है, कभी ऊपर उतार आ रहा है कभी चढ़ाव आ रहा है, इस तरह से ये चला। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो पिछले साल तक फ्री कंपनी में फ्री कैश फ्लो काफ़ी था, लेकिन इस बार कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो -451.57 करोड़ का था, ये जो माइनस में काफ़ी बेकार रहता है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो भी खुद के डिसीजंस लेती है वो कैश फ्लो के माध्यम से लेती है, यानी कि अगर कंपनी ने कोई अपने डिविडेंड्स देने हैं या कोई सडन डिसीजन बनाने हैं तो अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होगा तो वो अपने डिसीजंस बना सकती है। अगर ROCE की बात करें तो 26.4% का इसका ROCE है और ROE जो है इसका 19% का है, तो ये जितनी ऊपर हो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा मानते हैं, तो ये चीज़ मुझे सही लगी। तो अब इसके मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ। तो जो कंपनी में प्रोज इसका ये है कि जो कंपनी है इसने अपना जो डेब्ट है यानी कि कर्जा है वो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, लेकिन इसका जो कॉन्स है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ, यानी कि जो कंपनी है वो सेल अपनी सेल ग्रोथ को काफ़ी अच्छा नहीं इसमें देखने को मिला होता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ नहीं मिली है देखने को, तो इसका एक कौन से है। तो अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर बात करूं तो पी रेशियो तो कंपनी का ज़्यादा है, पी रेशियो देखने के बाद वैसे तो काफ़ी स्टॉक ऐसे भी हैं जिनका 90 से भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन 60 तक जिनका पी रेशियो है वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन 60 के ऊपर हैं थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो पी रेशियो के को अगर मैं ध्यान में रखूं या फिर कंपनी के जो ये EPS है, टोटल एसेट्स है, टोटल इक्विटीज़ है, फ्री कैश फ्लो है, इन चीज़ों को अगर देखो तो ऐसी स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगाते हो तो ऐसी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगी। तो अगर आप किसी भी कंपनी में लगाना चाहते हो पैसा तो ऐसी कंपनी को चुनो इसमें जो इक्विटी है वो बड़े, ROCE और ROE तो इसका अच्छा है, 15 से 20 से ऊपर होना चाहिए जो कि अच्छा है। प्रोज अच्छा है इसमें कि कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है, लेकिन जो इसकी सेल्स है वो भी डाउन देखने की मिली है। अब अगर इसमें मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि कंपनी के स्टॉक में ग्रोथ आपको तब देखने को मिलती है जब आपको कोई कंपनी की न्यूज़ मालूम चले, कंपनी में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, जैसे अभी मार्केट ऑफ है, रात हो रही है, तो अगर इस वक्त भी कोई स्टॉक के ऊपर न्यूज़ आ जाती है तो आपने देखना अगले दिन वो स्टॉक काफ़ी तेज गति से वॉलेटाइल रहता है, तो उसमें आपको लिक्विडिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो जो NBCC का फंडामेंटल के हिसाब से तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके अलावा आप किसी दूसरे स्टॉक में जा सकते हो। मैं तो जो जानकारी दे रहा हूं मैं अपने रिसर्च के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, आप चाहो तो आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, लगाना या ना लगाना पैसा यह आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों अगर टेक्निकल रिसर्च की बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन टेक्निकल रिसर्च में आपने ये देखना है कि कंपनी में अगर वन डे की, अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए अपनी पोजीशन नहीं बनानी है तो आपने वन डे या वन वीक का चार्ट देखना है, अगर आपको साल भर के लिए रख लेना है तो आप 12 मंथ का, 6 मंथ का या 1 मंथ का चार्ट आपने देखना चाहिए। उस हिसाब से अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो आपने अपनी पोजीशंस को एक्सटेंड करना है, लेकिन अगर आपको वहीं पे कभी आपने मान लीजिए अपना इसमें इन्वेस्ट किया है और अच्छे खासे आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर अब आपको बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है तो उस स्थिति में आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, पूरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे, मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे इस स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए 30-40% के या इससे ज़्यादा भी दिए, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इससे ज़्यादा दे, लेकिन अब स्टॉक क्या करता है कि वापस
नीचे आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितना आपने प्रॉफिट गेन किया था आप उसको बुक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर शेयर मार्केट से ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे को आपने बुक भी करने हैं, खुद पे खर्च भी करने हैं, उसका उपभोग भी करने हैं, यानी कि सारी चीज़ें आपने मेंटेन करके चलनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं क्लियर फंडामेंटल्स चीज़ें आज की वीडियो में बताई, टेक्निकल चीज़ें तो मैंने आपको नहीं दिखाई, टेक्निकल चीज़ें मैं आपको उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसे मुझे हाँ हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो दोस्तों मैं ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं शेयर टारगेट्स के बारे में, तो आप कमेंट में बताइएगा, जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से मैं भी आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते रहूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने पूरी वॉच की और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहती है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं, मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।